रविवार को लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में आला कांग्रेस नेता सहित छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल रहे और आगामी चुनाव में टिकट वितरण के साथ ही पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की। दिल्ली से रायपुर लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 11 लोकसभा के सभी दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने कभी रोना नहीं रोया। केंद्र सरकार कितना अड़ंगा लगाए उसके बावजूद भी चाहे किसानों के मजदूरों के जितने वादे हमने किए थे उसको एक एक करके हमने पूरे किए। अब वादे नहीं पूरा करना है इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। 11 लोकसभा के सभी जो दावेदार थे उसके नामों पर चर्चा हुई और अब स्क्रीनिंग कमेटी पहली दूसरी बैठक थी आज, तो अब स्क्रीनिंग काम खत्म हो गया और वो सीसी में फिर हो जाएगा। देखिए, हमने कभी रोना नहीं रोया। केंद्र सरकार कितने अड़ंगा लगाए उसके बावजूद भी चाहे किसानों के मजदूरों के जितने वादे हम लोगों ने किए थे वो सबको एक एक करके पूरे किए। अब वो वादे नहीं पूरा करना है इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं।